नमस्कार दोस्तों, आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेफ होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, मेरे पास आप जी एक कुछ फिल्टर्स वगैरह देख रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास कौन कौन से फिल्टर्स हैं और उसके बारे में आज हम बात करेंगे और बेसिकली देखेंगे कि इस फिल्टर के अंदर क्या है। मैं सिर्फ एक फिल्टर काट के दिखाऊंगा आपको। ये मेरे पास जो आप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक तो ये कार्बन फिल्टर है। ये तो चलो हम जो आरओ फिल्टर में यूज़ करते हैं, सिल्वर कोटेड इम्प्रिग्नेटेड एक्टिवेटेड कार्बन है। इसकी बात हम बाद में करेंगे और बेसिकली आज मैं जो बात करूँगा या दिखाऊंगा आपको, ये दो फिल्टर है मेरे पास और ये फिल्टर जो है मेरे पास हैवल्स ब्रांड के हैं। ये आप देख सकते हैं, हैवल्स जो आरओ वाटर प्योरीफायर आता है, ये उसी के फिल्टर्स हैं। और ये फिल्टर जो है आप देख सकते हैं, ये मिनरल कार्टेज है। तो ये आप देख सकते हैं मिनरल कार्टेज, कितनी पतली सी मिनरल कार्टेज दे रखी है। और ये भी मेरे पास जो है सिल्वर इम्प्रिग्नेटेड टेस्ट एनहेंसर, मतलब कार्बन ही है। इसको भी मैं साइड में रख दूंगा। देखिए ज़्यादातर हम जो अपने आरओ वाटर प्योरीफायर यूज़ करते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं उसमें जो, अगर हम इस फिल्टर की बात करें तो ये भी मेरे पास एक बायो प्लस का एक एल्कलाइन फिल्टर है जो कि 10-11 इंच में आता है। और इसकी मोटाई वगैरह आप देख सकते हैं। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो देखिए साइज में भी थोड़ा फ़र्क है, साइज में भी थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। और इधर फिर इसके ये जो है इसका डायमीटर, इसमें भी फ़र्क पड़ जाता है। तो ये हो गई बायो प्लस की एल्कलाइन फिल्टर और ये हो गया मिनरल कार्टेज जो हमारा उसका रहता है हैवल्स आरओ में। तो आज मैं इसे काट के देखता हूँ और दिखाता हूँ कि इसके अंदर है क्या एग्जैक्टली। इसमें जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखे, ये आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है इट बैलेंस पीएच लेवल ऑफ प्योरीफाइड वाटर एंड रीमिनरलाइज इट बाय एडिंग नेचुरली ऑकरिंग एसेंशियल मिनरल्स एंड सॉल्ट्स, दिस रिजल्ट इन हेल्थियर वाटर। तो ये रीमिनरलाइज करता है जो एक मिनरल जो कम हो जाते होंगे आरओ प्रोसेस में, कि भाई एक बैलेंस बना रहे, ये पीएच बना रहे, मिनरल्स कम ना, तो उसके लिए ये एक एल्कलाइन या इसे पीएच एनहांसर बोल सकते हैं या मिनरल कार्टेज बोल सकते हैं। तो चलिए इसे काट के देखते हैं, इनको साइड में रख देते हैं इन फिल्टर्स वगैरह को, क्योंकि कई बार हमारे को इच्छा होती है पता चलना चाहिए कई बार कि भाई पता तो चले कि इस फिल्टर के अंदर है क्या। तो इसको मैं काटता हूँ। मैं वैसे तो इधर से इन्होंने ये कुछ दे रखा है, कुछ लॉक सिस्टम है, लेकिन मैंने इसे ट्राई करके देखा है, थोड़ा मतलब ये कुछ ज़्यादा ही टाइट है या सील किया हुआ, लेकिन इसलिए मैं इसे काट रहा हूँ। तो इसमें इन आउट भी दिया हुआ है, यहाँ से इन होगा, ये एरो है और यहाँ से आउट होगा। तो ये भी एरो बना रखे किस डायरेक्शन में पानी चलता है और ये फाइनल स्टेज पे लगाया जाता है। तो मैं इसको यहाँ से काटना शुरू करता हूँ, फिर देखते हैं इसे निकाल के किस में एग्जैक्टली क्या है। अगर आपको ये हमारे एक्सपेरिमेंट अच्छे लगे जो कि हम आरओ से, तो ये लगभग कट ही चुका है। जैसे मैं देखता हूँ जरा ऐसे तोड़ लेते हैं, तो ये देखिए जी, ये मैंने इसे तोड़ लिया है और इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। तो इसको निकाल लेते हैं, ये देखिए, ये इसमें कुछ चारकोल जैसे कुछ, भाई देखने में तो चारकोल ही लग रहा है। ये देखिए हम लोग इधर रख देते हैं, तो इसमें ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इसमें फिल्टर लगा हुआ, और फिर इसे भी खाली करते हैं। तो ये देखिए ये सिस्टम है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। अब मिनरल कार्टेज के अंदर ये देखने में तो देखिए जी, बिल्कुल जो हम आरओ वाटर प्योरीफायर में जो हमारा ब्लैक कलर का जो फिल्टर रहता है, इस टाइप का जो हमारा चारकोल रहता है, ये हमारा चारकोल फिल्टर रहता है, तो ये मिनरल फिल्टर में भी लगभग कुछ इसी टाइप के ये ग्रैनुल्स या ये है। तो ये देखने में कार्बन ही, अब ये पानी का पीएच कैसे मेंटेन करता होगा ये तो अब पता नहीं। और इतनी क्वांटिटी देखिए, कितनी क्वांटिटी, थोड़ी सी क्वांटिटी भरा हुआ तो ये क्या काम करता होगा। तो ये वीडियो आपके साथ शेयर करनी थी इसकी, इसके अंदर क्या रहता है जो कि इसमें मिनरल कार्टेज जिसमें लगा रखी है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सपेरिमेंट जो मैंने इसमें किया, एक्सपेरिमेंट कह लीजिए या एक इसे काट के जो देखा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर ऐसे हमारे वीडियो आप देखना चाहते हैं जिसमें कि हम आरओ के फिल्टर्स की पूरी जानकारी देते हैं या आरओ वाटर प्योरीफायर या नॉर्मल यूवी वाटर प्योरीफायर के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर